दो दिवसीय मजदूरों के राष्ट्रीय हड़ताल के समर्थन में बुधवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष संयुक्त वाम दलों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने निजीकरण ठेका, समान काम के समान वेतन, संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, बैंक, बीमा, डाक, बिजली व आंगनबाड़ी आशा बहुओं के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। धरने में मुख्य रूप से राम प्रसाद, राममूर्ति, श्याम चरण, शिव वचन, तनवीर मनोरमा, राम समुज आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राजेश सहानी ने कहा, संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, विरोधी नीतियाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संयुक्त वाम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप और समूचे देश को ये मालूम है कि 8 और 9 जनवरी को पूरे देश में जितनी भी ट्रेड यूनियनें काम करती हैं, मजदूर संगठन काम करते हैं, सम का संयुक्त आह्वान था मजदूर हड़ताल का। इस मजदूर हड़ताल के समर्थन में हम सभी वाम दल संयुक्त रूप से उनके समर्थन में आज धरना पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीतियां तत्काल वापस लें। छटनी से लेके निजीकरण तक जो भी कार्रवाई चल रही है वो बंद करें। संविदा कर्मचारी, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, वह कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। उनका वेतन जो सरकारी राज्य कर्मचारियों को मिलता है उसके बराबर उनको दें। और आज तक पूरे देश में असंगठित मजदूरों के लिए कोई भी न्यूनतम मजदूरी दर तय नहीं है। हमारी मांग है इस राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल के दिन कि पूरे देश के लिए श्रमिकों के जीवन के लिए दैनिक मजदूरी न्यूनतम तौर पर 628 रुपये तय किए जाएं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, मानवाधिकार संगठनों ने एक आदमी को जीवित रहने के लिए आज के महंगाई के दौर में 628 रुपये तय किया है, वो संसद में पास करके प्रत्येक असंगठित मजदूरों के लिए जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए 628 रुपये निश्चित करें।